बीजेपी समर्थक पूछ रहे थे कौन शंकराचार्य, लेकिन प्रधानमंत्री अब उन्हीं शंकराचार्य के पैर छू रहे हैं। भाजपा के आईटी सेल वालों ने शंकराचार्य को झूठा, देशद्रोही, नकली हिंदू तक बोल दिया था, लेकिन बीजेपी के समर्थकों के मालिक अब उन्हीं शंकराचार्य का आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन बीजेपी के समर्थक अब खामोश बैठे हैं, क्योंकि जिस शंकराचार्य को वो ट्रोल कर रहे थे उनके मालिक उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, पैर छू रहे हैं। वैसे कितना अफसोस होता है बीजेपी के समर्थकों को देखकर कि ये लोग अपनी मर्जी से कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। बताओ, आप मालिक से ये भी नहीं पूछ पा रहे हैं कि जिन शंकराचार्य को हम नकली हिंदू बोल रहे थे उनके पैर आप क्यों छू रहे हो? क्योंकि सवाल तो ये लोग जब ही करेंगे ना, जब इन्हें मालिक की गुलामी से आजादी मिलेगी। दरअसल ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वर और नरेंद्र मोदी की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री शंकराचार्य से आशीर्वाद ले रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं। दोस्तों, ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने अधूरे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर खूब सवाल उठाए थे और एक मीडिया इंटरव्यू में तो यहां तक भी कह दिया था कि नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा मंदिर तोड़वाए हैं। उन्होंने 1,000-2,500 साल पुरानी मूर्तियों को तोड़वाकर मलबे में फेंक दिया था, जिसके बाद मोदी पर सवाल पूछने पर, राम मंदिर को लेकर सवाल पूछने पर भाजपा के समर्थक, भाजपा के आईटी सेल के लोग शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर को खूब ट्रोल कर रहे थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर से आशीर्वाद ले लिया है, उनके पैर भी छू लिए हैं, जिसको लेकर लोग अब सोशल मीडिया पर अपनी राय दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी समर्थकों को लेकर पोस्ट कर रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वर महाराज, जिन्होंने अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर खूब तार्किक सवाल खड़े किए थे। अंधभक्तों ने देशद्रोही का तमगा तक दे दिया था उन्हें, अब मोदी जी का झुकना उनके सामने हो गया है, मतलब मोदी जी अब उनके सामने झुक गए हैं। इसके साथ ही कुछ लोग लिख रहे हैं कि कौन शंकराचार्य, नकली धर्मगुरु, कांग्रेस का नेता, झूठा, देशद्रोही, नकली हिंदू। ये सभी भाजपा की आईटी सेल के शब्द थे जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वर के लिए बोल रहे थे। बाकी सच्चाई अब सबके सामने आ गई है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि अब पता चला कौन शंकराचार्य है। अंबानी की शादी में शंकराचार्य से पीएम मोदी ने आशीर्वाद लिया, ये वही शंकराचार्य है जिन्होंने अयोध्या में बिना छत राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर मुखर होकर सवाल उठाए थे। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब अब शंकराचार्य के पैर छू रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले जब शंकराचार्य राम मंदिर को लेकर सवाल उठा रहे थे तो मोदी समर्थक शंकराचार्य को देशद्रोही बोल रहे थे, नकली हिंदू बोल रहे थे, अब उन समर्थकों का क्या होगा कि मालिक ने ही शंकराचार्य के पैर छू लिए हैं? आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर, हमें अपनी राय जरूर दें। और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।